देश का 75वां स्वतंत्रता दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस क्रम में वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से हुड़केश्वर रोड पर भव्य सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। इस मौके पर विधायक टेकचंद सावरकर सहित सैकड़ों स्कूली विद्यार्थी तथा वंदे मातरम फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी और शहर के हजारों नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। पेश हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी हुड़केश्वर रोड से ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये वतन तेरे लिए में, आइए देखते हैं। हमारा देश आजाद करने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए सभी भारतवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए अंग्रेजों से दो हाथ किए, तभी जाकर भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समूचे भारतवर्ष में 15 अगस्त का दिन मनाया गया। इसी क्रम में दक्षिण नागपुर के हुड़केश्वर रोड पर वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से भव्य समूह राष्ट्रगान किया गया। इस कार्यक्रम में तकरीबन सैकड़ों स्कूली विद्यार्थी उपस्थित थे। विधायक टेकचंद सावरकर, इन्होंने अमर जवान स्मृति स्थल पर जाकर अभिवादन किया। वंदे मातरम फाउंडेशन के अजय हाथीबेड़ और तमाम पदाधिकारियों ने समूह राष्ट्रगान का शानदार आयोजन किया था। इस मौके पर पार्षद लीला अजय हाथीबेड़, इन्होंने क्रांतिकारियों का अभिवादन किया। डीजे की धुन पर लगाए गए देशभक्ति गानों पर हजारों महिला पुरुषों ने नृत्य कर कार्यक्रम में समा बांधा। वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से तकरीबन 10,000 बूंदी के लड्डू का वितरण किया गया। इस ऐतिहासिक क्षणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हजारों नागरिक इस मौके पर उपस्थित थे। सड़क के दोनों किनारे भव्य तिरंगा और सैकड़ों क्रांतिकारियों के बैनर लगाए गए थे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर मानो गूंज उठा था। वंदे मातरम फाउंडेशन हर वर्ष कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शानदार आयोजन करता है, जिसकी सराहना नागरिक करते हुए दिखाई दिए। भारत की आन बान और शान है ये तिरंगा, सभी मजहब को जोड़ता है ये तिरंगा, सबसे प्यारा भारत हमारा, हमेशा फहरते रहे तिरंगा हमारा। हुड़केश्वर रोड परिसर से ब्यूरो रिपोर्ट, संजय मीरे।